आज ईद का वक्त है तो मेरे घर में कुछ मेहमान आए हुए, तो इसलिए आपको बैकग्राउंड में वॉइस सुनाई दे सकती है, तो थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना। खैर काम नहीं रुकना चाहिए, हम लोग बात करेंगे मूव टू हेवन, जो कि एक साउथ कोरियन सीरीज है जो आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलती है। टोटल 10 एपिसोड है, जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 45 मिनट से लेकर 1 आवर के है, और ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है। खैर वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जिन लोगों ने सही गेस किया कि आज मैं किस पर्टिकुलर शो की बात कर रहा हूँ, तो उनके ये नाम है, लेकिन उसमें से एक बंदा है अमन रायन, जिन्होंने स्पेशली कहा है कि मेरा नाम लेना। तो यार थैंक यू सो मच अमन, और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ईद मुबारक, और इसी तरह से चैनल को सपोर्ट करते रहना। खैर अब हम लोग बात करेंगे शो के प्लॉट की, जो कि फोकस करता है हान गुरु और उसके फादर जेंग वू, जिनका अपना एक बिजनेस है ट्रॉमा क्लीनिंग सर्विस। अब ये चीज़ आप लोग समझ नहीं पाए होगे क्योंकि हमारे इंडिया में भी ये सारी चीज़ें नहीं है। अब इसमें होता क्या है कि जिनकी डेथ हो गई या किसी का मर्डर हो गया, ये लोग वहाँ पर जाते हैं और उस रूम को पूरी तरह से क्लीन करते हैं, सारी चीज़ें एलिमिनेट करते हैं, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो वो बंदा यूज़ करता था, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो डे टू डे लाइफ में यूज़ करने वाली चीज़ें हो, तो उसको लोग एक बॉक्स में जमा करते हैं और उनके पेरेंट्स को, जो भी इनके पीछे बसता है, उसको देते हैं। तो ऐसे में हैन गुरु और उनके फादर जेंग वू के साथ क्या कुछ होता है, और कैसे हान गुरु के अंकल शेंग वू की एंट्री होती है, फिर क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। मैं इस पर्टिकुलर शो के लिए एक ही चीज़ बोलूँगा कि ये कोई टिपिकल कोरियन ड्रामा नहीं है जो आप लोगों ने इससे पहले देखा। हालांकि कोरियन शोज़ की अपनी एक अलग जगह है मेरे दिल में, तो इस शो में आपको अलग अलग स्टोरीज़ देखने को मिलती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई एंथोलॉजी सीरीज़ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उन स्टोरीज़ के ज़रिए कैसे हान गुरु वो एक अलग इमोशनल जर्नी पर निकल जाता है। और कहते ना कि जब इंसान मर जाता तो मरने के बाद उसके आसपास की चीज़ें जो वो इस्तेमाल करता था, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं उस इंसान के बारे में बताती कि वो इंसान था कैसे और मरने से पहले उसके साथ क्या कुछ चीज़ें हुई थी। और इतनी इमोशनल स्टोरीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी जो कहीं ना कहीं आपको रियलिटी के बहुत करीब लगती है। और एक स्टोरी थी जहाँ पर एक बेटे और उनकी माँ, उसकी एक कहानी थी जो कि मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब हो गई। और एक्चुअली मैं इस तरीके के लोगों को जानता हूँ जो ऐसे सब चीज़ें करते हैं, यार आज क्या बोलूँ यार। और जो सबसे पहली स्टोरी है एक बंदे की, अरे आज मेरे पास वर्ड्स नहीं है यार। शो में अगर कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ कैरेक्टर्स देखने मिलते हैं, जैसे हान गुरु और उनके अंकल सेंग वू, नमो और जेंग वू। इन सारे कैरेक्टर्स को शो में बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप किया, और फर्स्ट एपिसोड में जो एक फादर सन के रिलेशन आप लोग फील करते हो ना, वो आपके आंखों से आंसू निकाल देता है। और एपिसोड के एंड में जो चीज़ होती है ना, वो अनएक्सपेक्टेडली, हालांकि मैं समझ गया कि ये सारी चीज़ें होने वाली है, लेकिन जब वो होती है ना तो लिटरली ब्लैंक हो जाता है सब यार, आपके दिल को ऐसा लगता है किसी ने काट डाला हो यार वो। और उसके बाद ये चीज़ रुकती ही नहीं, फिर सोचते कि अब क्या, और हर एक एपिसोड में इतना इमोशंस के साथ वो लोग ने खेले ना यार कि मैं क्या बोलूँ। लेकिन हाँ, शो में कुछ जगह पे आपको कॉमेडी भी देखने को मिलती है, जैसे कि नमो और उसकी मम्मी के बीच में जो जो चीज़ें होती है वो आपको थोड़ी बहुत हंसाती भी है, और कहीं ना कहीं एक रिलीफ भी पहुंचाती है। उसके अलावा शो में देखो, अभी आंखों में थोड़ा आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं जब रिव्यू करता हूँ तो वो विजुअल्स मेरे आंखों के सामने आते हैं, पूरा शो चलता है, मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाता हूँ, तो मैं समझ नहीं पा रहा कि आपको किस तरह से समझाओ। उसके अलावा शो के डायलॉग्स बहुत ही अच्छे हैं यार, सिचुएशंस जो लोगों ने यहाँ पर क्रिएट किए वो इतनी अच्छी है कि कुछ वक्त के बाद आप ये समझ नहीं पाते हो कि आप शो देख रहे हो कि रियल में ये सारी चीज़ें आप लोग महसूस कर रहे हो यार। और अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो तो यार हर एक एक्टर ने अपने हिस्से के रोल को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया यार, मैं उनके नाम प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जिस बंदे ने यहाँ पर हान गुरु का रोल प्ले किया, जो एक मासूमियत है ना उसके चेहरे में, वो आप लोग साफ फील कर पाते हो। और मैं उसके बारे में एक चीज़ बता दूँ कि वो यहाँ पर जिस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं उनकी एज यहाँ पर 20 साल है, लेकिन वो एक डिसऑर्डर की वजह से वो बच्चा ही है अभी भी 5-6 साल का, लेकिन इतना इंटेलिजेंट है और उसके अंदर एक इमोशंस इतने हैं, इंसानियत इतनी है कि कहीं ना कहीं आप उस कैरेक्टर से प्यार करने लगोगे यार। और सीरियसली उसके अलावा शो में हर एक एक्टर ने अपने हिस्से के रोल को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया। सिनेमेटोग्राफी की बात करेंगे तो यार परफेक्ट बोलूँगा, एकदम परफेक्ट, और PGM तो भाई आपका दिल निकाल लेगा। शो का डायरेक्शन बहुत अच्छा है, इस तरीके के शोज़ को डेफिनेटली और भी बनाना चाहिए, जहाँ पर एक इंसान को पता चले कि लाइफ, डेट और ह्यूमैनिटी के मतलब क्या होते, इमोशंस क्या होते, किसी इंसान की ज़िंदगी में
कोई एक इंसान कितना स्पेशल होता है और कैसे कोई इंसान किसी की हेल्प करता है बिना किसी लालच के, और कैसे कोई इंसान अगर मर भी गया तो मरने के बाद भी वो आपके लिए ज़िंदा रह सकता है, क्यों, जब तक आप उसे याद करो। और मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ कि ये शो आप अपने फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो, कुछ भी गंदगी नहीं है, अभी जाओ देखो। और हाँ, इसको मैं रेटिंग दूंगा 10 out of 10, दिस इज़ वन ऑफ दी बेस्ट शोज़ एवर। कोरियन शोज जितने मैंने देखे उसमें से वन ऑफ दी बेस्ट शोज़ में से एक लगा मुझे। और थैंक यू सो मच यार, पूरी टीम को बोलूँगा मैं। और इस तरीके के शोज़ का सीज़न 2 डेफिनेटली आना चाहिए, हालांकि कहानी पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुकी है, लेकिन द वे, चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।